पति पत्नी को अपनी गोद में लेकर कुल देवता के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो सावी, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा मंदिर की सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। वेदिका ने सावी को बताया अपने परंपरा के बारे में। क्या नित्यम सावी को अपने बाहों में उठाकर चढ़ेंगे मंदिर की सीढ़ियों पर? जी हाँ, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सावी की सवारी के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे वेदिका सावी से सोनम के बारे में पूछताछ करती नजर आएंगी, जिस दौरान सावी बताएंगी कि किसी प्रोजेक्ट के कारण सोनम ऑफिस में ही रुकी हुई है, जिसके कारण वेदिका हो जाएंगी काफी परेशान। जबकि दूसरी तरफ नित्यम और सोनम के बीच आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन वेदिका सावी को बताएंगी अपने परंपरा के बारे में कि कैसे शादी के बाद उनके घर के परंपरा के हिसाब से दुल्हा दुल्हन उनके कुलदेवी के मंदिर जाते हैं और इस दौरान दुल्हा अपनी दुल्हन को गोदी में उठाकर मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हैं और मन्नत मांगते हैं, जिससे सावी अपनी सास से ये कहती नजर आएंगी कि इस बार सावी आ गई है तो फिर सब कुछ उल्टा होगा। लेकिन नित्यम सावी को ये साफ मना कर देंगे, कहेंगे कि वो तो सावी को लेकर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे मंदिर की सीढ़ियों पर। वेल, अब ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सावी नित्यम को मना पाएंगी उनके कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।